हेलो फ्रेंड लोग, गुड इवनिंग आप सब लोग को। तो फ्रेंड लोग, मैं आज और सिंपल रेसिपी बना के दिखाएगा, दो रेसिपी बना के दिखाएगा स्नेक बोर्ड से, ठीक है, मेरा स्टाइल से। तो आप लोग देखते रहना मैं कैसे बनाता है, ओके। तो फ्रेंड लोग, मैंने इसमें ले लिया स्नेक बोर्ड एंड आलू का साथ एक रेसिपी बनाएगा और एक रेसिपी बनाएगा कोकुम्बर का साथ। तो मैंने दो रेसिपी बना के दिखाएगा। तो अभी मैं सब्जी काट लेगा, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग देखते रहना। तो फ्रेंड लोग, मैं पहली पानी ले लिया, तो मैं पहले आलू को चीर के पानी में दे देगा। तो फ्रेंड लोग, फाइनली मैंने आलू चीर लिया, तो अभी मैं पानी में रख देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैं अभी कोकुम्बर चुन के लेगा। इसे तो कोकुम्बर थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए मैं स्किन फेंक देगा। अगर थोड़ा छोटा होगा तो स्किन भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं एक रेसिपी को स्नेक बोर्ड एंड कोकुम्बर का साथ बनाएगा और एक को आलू का साथ बनाएगा। तो मैंने फाइनली कंप्लीट कोकुम्बर भी और अभी स्नेक बोर्ड को नाइफ से काटेंगे। नाइफ से करेगा तो अच्छा से कलर जाएगा। सिर्फ इस ऊपर का जो व्हाइट व्हाइट स्किन होता है ना, से वही फेंकेगा मैं, इसलिए मैं नाइफ से ऐसे धीरे धीरे करके फेंक देगा। तो फाइनली फ्रेंड लोग, मेरा एक कंप्लीट है, तो बाकी दो को भी ऐसा करके मैं दे दे। तो फ्रेंड लोग, मैं अभी सबसे करने के लिए स्टार्ट कर, पहले मैं आलू काट लेगा कि मेरा सब्जी काटने के लिए कुछ भी सामान नहीं है, मैं प्लेट में काट लेते हैं। इसे मैंने काट लिया थोड़ा खूबसूरत खूबसूरत करके, इस साइज में मैंने काटा। तो अभी मैं कट करेगा स्नेक बोर्ड। तो ऐसा करके मैंने इसको भी छोटा छोटा करके कट करेगा। तो फ्रेंड लोग, ये फ्राई के लिए तो हो गया। अभी दूसरी रेसिपी के लिए कट करेगा, ये ऐसे रहने देगा। तो ये वाला दूसरा रेसिपी के लिए, ये कोकम्बर, क्योंकि हम दोनों ही खाएगा, फिर भी ये थोड़ा कम हो जाता है ये सब्जी, है ना, इसलिए मैं दो ले लिया एक स्नेक बोर्ड। तो ये इसी जगह पे कट लेगा मैं, ये थोड़ा इतना बड़ा बड़ा साइज में काटेगा, मैं बाद में दिखाएगा आप लोग को। तो फ्रेंड लोग, मैंने कोकुम्बर काट लिया, इसे साइज में काटा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें पानी डालेगा। तो ये स्नेक बोर्ड काटेगा अभी, ये भी मैं बड़ा बड़ा साइज में कट करेगा। ये भी मैं इसे साइज में काटेगा। तो फाइनली मैंने सब्जी काट लिया फ्रेंड लोग, तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं।
सब सारे सब्जी काट के रेडी कर लिया। तो ये स्नैगर को मैंने छोटा छोटा साइज में काट लिया, और इसमें पोटैटो, एक पोटैटो को भी मैं छोटा साइज में काटा है, ऐसे लंबा लंबा साइज में। इसमें ऑनियन, दो रेसिपी के लिए मैंने एक ही ऑनियन काटा है, और इसमें ये दूसरा रेसिपी के लिए। तो कोकुम्बर को थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में काटा, एंड स्नैगर को थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज में काटा। तो अभी मैं सब्जी बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ, पहले ये वाला बनाएगा। तो फ्रेंड लोग, मैंने सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई बैठा दिया, कढ़ाई भी गर्म हो गया। इसमें मैं दे देगा भी ऑयल। वैसे भी मेरा सब्जी थोड़ा है, इसलिए मैंने ऑयल ज्यादा नहीं देता, मैंने थोड़ा सा ऑयल दे देते। तो ऑयल देने के बाद मैं दे देगा इसमें ऑनियन। ऑनियन को थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं फ्राई करके ले लेगा। तो फ्रेंड लोग, मेरा ऑनियन ब्राउन कलर हो गया। इसमें मैं ऐड करेगा अभी हल्दी गुड़ो, मतलब हल्दी पाउडर। तो मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर लिया। तो मैं इसमें दे देगा अभी सब्जी। तो फ्रेंड लोग, मैंने सब्जी दे दिया, तो इसमें अभी ऐड करेगा मैं जिंजर ऑनियन एंड चिल्ली गार्लिक पेस्ट। और ऐड करेगा मैं थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली ज़्यादा डाला, इसलिए मैंने ज़्यादा चिली पाउडर नहीं दिया, रखा दिया। और इसमें ऐड करेगा नमक, और मैं सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो चलो, मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो एक मिनट के लिए मैं, एक दो मिनट के लिए मैं ढकना रख देता हूँ। तो फ्रेंड लोग, मेरा सब्जी दो मिनट हो गया, मैं अभी इसमें ऐड करेगा पानी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँ, तो थोड़ा अच्छे से मसाला वाला अंदर में घुसेगा और अच्छे से पक भी जाएगा। तो मैं ज़्यादा पानी नहीं देगा, इतना ही पानी देगा। तो फिर से मैं तीन चार मिनट के लिए ढकना रख देती हूँ। तो फ्रेंड लोग, मेरा सब्जी चार मिनट हो चुका है, मैं अभी थोड़ा खुल के देखेगा। देखिए हो गया, थोड़ा ग्रेवी भी अच्छा से, देखिए कोकुम्बर भी अच्छे से पक गया। तो अभी मेरा ये रेसिपी तो हो गया, अभी दूसरी रेसिपी बनाने के लिए स्टार्ट करेगा। ये निकाल लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड लोग, मैं दूसरी रेसिपी के लिए मैंने कढ़ाई बैठा दिया, कढ़ाई गर्म हो गया। तो इसमें मैं दे देगा अभी ऑयल, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डालेगा फ्रेंड लोग, इसलिए मैं थोड़ा ऑयल ज़्यादा दे देगा। ऑयल ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं डालेगा। तो इसमें ऐड करेगा मैं ऑनियन, पहले ऑनियन को फ्राई कर लेगा मैं। फ्रेंड लोग, मेरा ऑनियन ब्राउन कलर हो गया, देखिए मैं इसमें ऐड करेगा अभी हल्दी पाउडर। तो मैंने हल्दी पाउडर दे दिया, और इसमें दे देगा मैं चिल्ली पाउडर,
और अच्छे से मिक्स कर लेना। और पेस्ट करके लिया था मैंने जिंजर गार्लिक एंड सेम है जो पहले का रेसिपी में जो दिया था वही सेम है। तो सारी मसाला को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो फ्रेंडो मेरा मसाला हो गया, इसमें मैं ऐड करेगा अभी पोटैटो, इसमें दो चिल्ली कटा है पोटैटो एंड इसमें का दो सब्जी को एक साथ मिक्स कर लेगा। तो मैंने सब्जी दे दिया, अच्छे से मिक्स कर लेगा बस। और मैं ऐड करेगा नमक, तो मैंने नमक नमक भी दे दिया। तो मैं अभी इसको ढकना रख देती हूँ। दो तीन मिनट के लिए मैं ढकना रख दिया। तो फ्रेंड लोग मेरा सब्जी 7 मिनट हो गया, तो सब्जी भी पक गया, देखिए अच्छे से पक गया। तो अभी मैं सब्जी निकाल लेती हूँ, हो गया। और ज़्यादा फ्राई नहीं करेगा, ज़्यादा फ्राई होने से भी अच्छा नहीं है। तो मेरा दो सब्जी तो हो चुका है, अभी खाना खाएगा हम दोनों। तो फ्रेंड लोग फाइनली खाने के लिए बैठ लिया, ये मेरा थाली है, ये भी अच्छा हो गया रेसिपी। ये भी इसमें सलाद, ग्रीन सलाद, कोकमर सलाद एंड ये सब्जी है। अभी मैं खाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड लोग मेरा रेसिपी आप लोग का कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताना, ओके। और थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक थोड़ा कर देना। तो आज का वीडियो इतना है, सभी फ्रेंड लोग को बाय बाय एंड गुड नाइट।